तो दोस्तों, आजकल आप देख रहे हो YouTube पे एक ट्रेंड सा चल गया है, वन शॉट वीडियोस बहुत सारे चैनल्स लेके आ रहे हैं। ठीक है, क्लास 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन है, तो 10th और 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन के वन शॉट वीडियोस बहुत सारी आ रही हैं और बहुत सारे बच्चे मैं देख रहा हूँ कि वन शॉट वीडियोस देख के अपने आप को दिलासा दे लेते हैं कि बस मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया। वन शॉट वीडियो किसी चैप्टर की देखी और वो अपने आप को कंसोल कर लेते हैं, अपने आप को संतावना दे देते हैं, ठीक है, दिलासा दे देते हैं कि हाँ मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और लास्ट 7 to 8 ईयर से मैं ऑफलाइन क्लासरूम से क्लास 9 to 12 स्टूडेंट्स को फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। तो बात करेंगे कि वन शॉट वीडियोज़ की क्या अहमियत है आपकी लाइफ में, ठीक है, और वन शॉट वीडियोस हमें देखने चाहिए कि नहीं देखने चाहिए। देखिए, किसी कंटेंट क्रिएटर के या जो भी टीचर पढ़ा रहा है, मैं काफ़ी इज्जत सबकी करता हूँ, किसी के खिलाफ ये वीडियो नहीं है। वन शॉट वीडियो के फ़ायदे भी हैं, वो भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो एक जो अपने दिमाग में आप बच्चों बना के चलते हैं कि वन शॉट वीडियो से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, मेरे मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, तो ये इम्पॉसिबल है। देखिए, ऐसा तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता है। अगर आप ने सपोज़ फिज़िक्स का कोई चैप्टर क्लास 12th में उठाया है या मैथमेटिक्स का 3D ज्योमेट्री आपने कहीं से उठाया और वन शॉट में अगर आप उसे फिनिश कर लेंगे, अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, तो मेरी बात पूरे ध्यान से सुनिएगा पहले पूरे वीडियो को, फिर आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो अगर आप उसको फर्स्ट टाइम देख रहे हो, जैसे कि 3D ज्योमेट्री है, उसको आप फर्स्ट टाइम 1 आवर में अगर आप फिनिश करना चाहते हो, ठीक है, इम्पॉसिबल है, ठीक है, नहीं हो सकता है। आपने क्लास 10th का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उठाया, आप कोई वन शॉट वीडियो देख रहे हो कि सर्कल, आप सर्कल चैप्टर देख रहे हो क्लास 10th का और आप सोच रहे हो वन शॉट में मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, तो इम्पॉसिबल है। ये वन शॉट वीडियो देख के आप पास तो हो सकते हो, कभी कभी आप पास भी नहीं हो सकते हो, सुन लो, ठीक है। ये वन शॉट वीडियो देख के आप कभी कभी पास तो हो सकते हो, बट अच्छे मार्क्स आपके नहीं आ सकते हैं, ठीक है। तो वन शॉट वीडियो कब फ़ायदेमंद होते हैं, तो बच्चों वन शॉट वीडियो, या दोस्तों जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बिकॉज 12th के बच्चे तो काफ़ी बड़े होते हैं, तो उनको अजीब सा लगेगा उनको अगर बच्चों बोलो, तो सुनो, अगर आप वन शॉट वीडियो देखना भी चाहते हैं तो कब उसको देखना है बच्चों। देखिए, किसी भी चैप्टर का आप पूरा प्लेलिस्ट पहले फॉलो करिए, किसी भी आप किसी भी चैनल से कर सकते हो, ठीक है, जिसने भी आपको A to Z पूरा पढ़ाया हो, पहले उसको आप देख लो, फिर जो वन शॉट वीडियोस बना रहे हैं जो टीचर्स, ठीक है, उनका आप देखो, पक्का बेनिफिशियल आपके लिए वो रहेगा, ठीक है। बशर्ते आप क्या कर रहे हो, आप पूरा कंटेंट ना पढ़ के आप क्या करते हो, सीधे वन शॉट वीडियो देख लेते हो जाके, ठीक है। वन शॉट वीडियो देखने के बाद एक्चुअल में आप एक अंधेरी दुनिया में जी रहे हो, ठीक है। वन शॉट वीडियो देखने के बाद आप क्या अपने मन में कंसोल करते हो कि हाँ भैया मेरा तो कंप्लीट हो गया है, ठीक है, होगा पता है कि आपके साथ। वन शॉट वीडियो देखा आपने, ने आपको संतावना दे दी, अब आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जाओगे ना, आपसे क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, ठीक है। मे बी वन शॉट में जो कुछ भी पढ़ाया हो वो आपने ऊपर से पढ़ लिया, मतलब आप मेरी बात नहीं समझ रहे हो, वो जब आपके सामने पेपर आएगा तो आप समझोगे, ठीक है, शायद आपसे एक भी क्वेश्चन वहाँ पे ना बने, ठीक है। तो वन शॉट देखिए, मना नहीं कर रहा हूँ, वन शॉट देखिए, वो रिविजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, बट उसके पहले किसी का जो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो प्लेलिस्ट किसी चैनल पर जाकर आप अच्छी तरीके से फॉलो करिए, फिर जो वन शॉट वीडियोज़ हैं उन्हीं के चैनल पर या किसी और के चैनल पर वहाँ से आप देखिए, तब आपको चैप्टर का फील आएगा, आप चीज़ों को रिलेट कर पाओगे। लेकिन डायरेक्ट वन शॉट देखोगे तो सामने वाले ने तो आपको पढ़ा दिया होगा अपने हिसाब से, बिकॉज देखो सामने वाला तो पढ़ाता चला जाता है, क्योंकि वो तो भाई कई टाइम से पढ़ा रहा है ना, तो उसको तो एक्सपीरियंस है, वो फटाफट चीज़ें बताता चला जाएगा, क्योंकि उसके दिमाग में चीज़ें चल रही है ना, आप थोड़ी ना रिलेट कर पाओगे, आप थोड़ी ना फील कर पाओगे, ठीक है। और कहीं ना कहीं बच्चे में देख रहा हूँ वन शॉट देख देख के समझ रहे हैं कि भाई पढ़ाई बहुत ईजी है, तो देखो पढ़ाई ईजी नहीं है, ठीक है, पढ़ाई में अगर आपको मज़ा आ रहा है, ठीक है, आपको ईजी लग रही है बहुत, ठीक है, तो आप गलत ट्रैक पे हो, पढ़ाई इजी नहीं है, ठीक है, पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप दिन के 2 घंटे देके चीज़ों को निपटा दे रहे हो, बोर्ड एग्जामिनेशन इतने करीब आ रहे हैं, तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क आपके पास रहेगा कि आप 90s या 95 के आसपास पहुँचें, ठीक है। बाकी 60, 70 तो हर बच्चा लगभग ले ही आता है आजकल जैसे तैसे सैम्पल पेपर वगैरह पढ़ के, लेकिन अच्छा स्कोर करना है तो ये वन शॉट वाले वीडियो से बच्चों बचिए, इनको तब देखिए जब आपका पूरा चैप्टर जब अच्छी तरीके से तैयार हो जाए, मतलब पूरे चैप्टर के जब आपने वीडियोस देखे हो। आई थिंक आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। और जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पे क्लास 10th का बच्चों पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स अपलोड है, ठीक है, और क्लास 12th के जो बच्चे हैं उनका मैथमेटिक्स का जो 3D ज्योमेट्री रिलेशन फंक्शन जो कि अभी तक बच्चों को परेशान कर रहा है, ऐसे महान चैप्टर्स को हमने बहुत ही ज़्यादा टाइम दे के कंप्लीट किया हुआ है। आपको करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको जाके कम्युनिटी टैब में चेक करना है या मेरे कॉन्टैक्ट नंबर 7503644171 पे आप व्हाट्सअप करके चैप्टर के लिंक मेरे से ले सकते हैं, आप क्लास 10th के बच्चे तो पिन कमेंट भी चेक कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ज़्यादा बात नहीं करते, आई थिंक आपको समझ में आया होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।